हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अब जानते हैं कि जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि यूनिट ऑफ चार्जेस क्या है, चार्जेस के क्या मात्रक है, आवेश के क्या मात्रक है। तो आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, जो आवेश की पद्धति है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसके अगर हम लेते हैं एसआई सिस्टम लेते हैं, तो एसआई सिस्टम में आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है, कूलॉम, इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सीडीएस पद्धति होती है, सीडीएस सिस्टम होता है, उसमें होता है ईएसयू। ESU means electrostatic unit of charge. What is electrostatic unit of charge? या state coulomb, या एक और मात्रक होता है Franklin. Okay? इसका एक विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है जिसे हम EMU कहते हैं, और ये होता है electromagnetic unit of charge. Electromagnetic unit of charge. इसका जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो Faraday होता है, और एक फैराडे में होते हैं 96,500 कूलॉम। ये तो है बेसिक, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये होता है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो इन तीनों में ये रिलेशन है जो हमेशा आपको याद रखना है, वो क्या है, 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10^10 ESU एंड दैट इज इक्वल टू 10 कूलॉम। ओके, तो ये 1 EMU बराबर 3 × 10^10 ESU होता है और बराबर होता है 10 कूलॉम के। ओके, तो ये है आपके यूनिट ऑफ चार्जेस। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि 1 कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ओके, कि 1 कूलॉम आवेश में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, −1.6 × 10^-19 कूलॉम। यदि हम बात करें 1 कूलॉम की, तो आप लिख सकते हैं 1 कूलॉम बराबर 1/1.6 × 10^-19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 6.25 × 10^18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 कूलॉम बराबर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। ओके, अब ये जानने के बाद आप देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं आवेश के क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या गुण हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट, अभी हमने बताया था सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल इच अदर, सेकेंड वन इज अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, थर्ड वन इज, तीसरा जो गुण है वो ये होता है कि चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो हमने लिखा था इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जो तीसरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। आप देखते थे कि जब हम दो बॉडी को रगड़ते थे तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में जाते थे, जिससे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। और यदि हम उन दोनों वस्तुओं को आपस में टच करा देते हैं तो जहां इलेक्ट्रॉन के दिखता है पुनः अपनी जगह चला जाता है, यानी दूसरी वस्तु पे चला जाता है, और वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ आवेश खत्म नहीं होता है, केवल ट्रांसफर होता है। इसका एक एग्जांपल है पेयर एनिहिलेशन। ओके,
पेयर एनिहिलेशन युग्म विनाश होता है जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने एंटी पार्टिकल एक पॉजिट्रॉन के पास आता है तो ये दोनों रिएक्शन करके दो गामा फोटॉन बना देते हैं और अपना अस्तित्व तो समाप्त कर देते हैं। इसे कहा जाता है युग्म विनाश। ठीक है, इस पे रिएक्शन से पहले कितना चार्ज है? माइनस ई। इस पे रिएक्शन से पहले प्लस ई। दोनों को मिला देंगे जीरो हो जाएगा। रिएक्शन के बाद की बात करें तो ये क्योंकि एनर्जी है, गामा फोटोन एनर्जी है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, तो अगर आप इसको जोड़ भी देते हैं तो जीरो रहेगा, अर्थात पहले भी जीरो था अब भी जीरो है। तो आप ये जाने कि नेट चार्ज नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी दिखता, ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, हमेशा क्या बना रहता है? नियत बना रहता है, पहले भी जीरो अब भी जीरो। दूसरा जो होता है मुख्य प्रॉपर्टी इसकी, क्वांटम नेचर ऑफ चार्जेस, ये होता है फंडामेंटल चार्ज मूल आवेश। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए किसी भी बॉडी पे, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे गई या किसी भी बॉडी पे जो न्यूनतम आवेश आ सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आ सकता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन आप पढ़े हैं परमाणु की मूल इकाई होती है। वैसे कुछ नवीनतम शोधों से पता चला है कि क्वार्क और एंटी क्वार्क होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं। ठीक है, जिनपे प्लस माइनस ई बाई थ्री और प्लस माइनस टू ई बाई थ्री का आवेश होता है, लेकिन अभी उनकी उनका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है, पुष्टि नहीं हो पाई है। तो अभी हम ये मानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल चार्ज होता है, बेसिक चार्ज होता है, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही मिनिमम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो क्वांटम नेचर जो होता है वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु पे जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है या दो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है या तीन इलेक्ट्रॉन के, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। यानी किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी वस्तु पे आवेश का जो मान q होता है वो प्लस माइनस n इंटू e होता है, वेयर n इज एन इंटीजर क्वांटिटी एंड दैट इज इक्वल टू 1 r 2 r 3 r 4 । ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि q बराबर प्लस माइनस n इंटू e। ठीक है, अब देखिए